दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई साधकों की डिमांड पर मैं आज आपको शमशान काली की साधना दे रहा हूं। साधक के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है कि वह शमशान में साधना करने की एक इच्छा व्यक्त करता है। तो इस तरह की जो साधनाएं हैं जो शमशान में की जाती हैं नॉर्मल होती हैं, वैसे इनमें ज्यादा खतरा नहीं होता है यदि साधना को ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से या अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ये साधनाएं की जाती हैं, तो शमशान में साधना करने पर कोई भी खतरा नहीं रहता है किसी भी तरह का। शमशान में तीन शक्तियां मुख्य होती हैं, अहम होती हैं। एक शमशान के राजा शमशानेश्वर, दूसरे नंबर पे शमशान का भैरव, तीसरे नंबर पे शमशान की काली। ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जिनका शमशान में पूजन करने पर आपको हमेशा पूजा देनी ही चाहिए सबसे पहले, तब आपको किसी और भूत की या प्रेत की या शमशान से कोई और शक्ति की यदि आप साधनाएं कर रहे हैं तब आप इनकी पूजा कर सकते हैं। शमशान के जो राजा होते हैं उनका एक पर्सनल में नाम होता है, उनका एक पर्सनल में भोग होता है, उनका एक सामान्य अलग से एक परिचय होता है जो बहुत ही कम साधकों को पता है। तो यदि आपकी शक्तियों से वार्तालाप होती है या आप एक साधक हो और एक उच्च लेवल पर पहुंचे हुए हैं तो कभी भी आप किसी शमशान में पहुंचते हैं तो जाकर के आप शमशान के जो राजा हैं शमशानेश्वर उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे उनका परिचय जानिएगा। तो वो आपको एक पर्सनल अपना एक नाम बताएंगे और पर्सनल आपको अपनी जानकारियां देंगे। इन सब का पूजन करने के बाद ही आपको दूसरी कोई साधनाएं करनी चाहिए। शमशान की जो साधनाएं हैं ये शमशान में ही की जाती हैं, लेकिन आजकल माहौल जो है वो पुराने जैसा नहीं रहा है तो आज साधनाएं जो है शमशान में करना बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को कि शमशान से यदि आपको पूरी 11 चिताएं मिल जाती हैं वहां पर, तो उन चिताओं से अलग अलग मुट्ठी राख ले आनी है। नहीं मिलती है तो एक ही जगह से कम 11 मुट्ठी राख ला करके अपने किसी एकांत बंद घर के अंदर, कमरे के अंदर, उस कमरे में आपको वो पूरी राख जो है जगह जगह फैला देनी है और उस फैला करके वहीं पर बैठ करके ही आपको शमशान काली की या शमशान की या शमशान की कोई और भी साधनाएं हैं जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। शमशान की जो साधनाएं हैं इनमें बस थोड़ा सा डर होता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मारने को ही उतारू हो जाती है, बस क्या होता है कि इनके चेहरे थोड़े रूप रंग बदहाल होते हैं तो थोड़ा सा साधक डर जाता है। नए नए साधक जो होते हैं तो नए साधकों को पहले ये उग्र साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूं कि शमशान काली की जो साधना है इस साधना को करने से व्यक्ति का जो जीवन है वो ऊंचा होता है, व्यक्ति का जो मनोबल है वह ऊंचा होता है और व्यक्ति के अंदर एक जो बड़े काम है उन बड़े कामों को करने की एक क्षमता विकसित होती है। वह ये सोचता है कि ये जो बड़ा काम है इसे मैं आराम से आसानी के साथ कर सकता हूं, एक कंफर्टेबल एकदम पूरा ताकत इसमें अंदर आती है आदमी के। तो काली साधना करने के बाद, शमशान काली की साधना करने के बाद और काली के और कई अन्य रूप हैं उन रूपों की साधना करने के बाद साधक के अंदर एक असीमित बल का संचार होता है जो ये बताता है कि मैं हर तरह की साधना संपन्न कर सकता हूँ। शमशान काली के द्वारा आप रोगों का उपचार कर सकते हैं, भूत प्रेत का उपचार कर सकते हैं, सामान्य झाड़ फूंक कर सकते हैं और कोई भी शक्ति यदि कोई है चाहे वो दैवीय वर्ग की हो आप उसको भी उसके शरीर से निस्तारण कर सकते हैं। किसी के पितर बिगड़े हुए हैं आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यह शमशान में रहती है तो इसका भोग शमशान में जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो किसी उजाड़ जगह पर भी इसको छोड़ा जा सकता है। तो शमशान काली की साधना है, सट्टे के नंबर वगैरह देने में भी काफी अच्छा इसका नाम है। तो आप जो भी भाई साधना को करना चाहते हो वो आप सभी हमारे केंद्र पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और विधिवत इसकी साधना दीक्षा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।